वेलकम टू मिशन सीरियल। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लेके आए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर 26 अक्टूबर 2021। देखिए, ऐसे पूरा दिन में तो बहुत सारे घटना घटते रहते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल पर। तो हमने क्या किया है, वो हज़ार से छन बिन के छक लेके आए हैं आपके लिए कि जितने इम्पोर्टेंट चीज़ होगा जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वही हमारा मेन मकसद है कि एग्ज़ाम में कौन सा आने वाला है। हमने वही कोशिश किया है कि एग्ज़ाम में कौन सा आने वाला है एकदम। तो हर दिन की तरह डेली करंट अफेयर्स लेके हम हाजिर हैं आपके सामने। ओके, चलिए फिर देखते हैं क्या आज रहा है करंट अफेयर्स में डिस्कशन करने के लिए। अच्छा, शुरू करने से पहले ये हमारा डेली का मंत्र रहता है, आपको पता है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये आपका मान के ही चलना है, ये बहुत बड़ा चीज़ है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे सुधार ला सकता है। ओके, जैसे कि मेरे ज़िंदगी में लाया है, हर कामयाब आदमी यही सोचता है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। इसी से इसका जो सक्सेस का जो बीज है, जो सीड्स है, इसी से बुनता है। ओके, इसी से बनता है उसका सक्सेस का मंत्र, मतलब शुरू का इसी से होता है, इसी से उसका सक्सेस का जो स्टोरी है इसी से शुरू होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि खुद को बिलीव करना। ओके, बिलीव योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ। इसके बाद ही आपका जो अंतरात्मा जो बैठा हुआ है अंदर, वो जगता है और आपको बहुत ज़्यादा ताकत देता है पढ़ने के लिए, रात जगने के लिए। ओके, ज़्यादा स्टेमिना डालने के लिए। ओके, सो आई बिलीव कि यू विल कीप फेथ ऑन योर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज एंड विल प्रिपेयर वेल सो दैट यू डू वेल इन योर एग्जाम्स एंड गेट जॉब नेक्स्ट कमिंग फ्यू ईयर्स। ओके, चलिए चलते फिर फील्ड में क्या रखा है। अच्छा, आज का पहले इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज है, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है धरती पर, तो उसके लिए क्या हो रहा है, जो हीट ट्रैप वो बढ़ते जा रहा है, तो धरती का जो टेम्परेचर वो बढ़ते जा रहा है। इसके बदलत क्या हो रहा है, जो पर्वत के ऊपर जो आइस है और पोलर रीजन में जो आइस है, हिल टॉप आइस, ओके, हिल टॉप आइस एंड पोलर रीजन, ओके, आपको पता है पोलर रीजन जो आइस है वो पिघल रहा है, तो क्या है, सी लेवल बढ़ रहा है। इसके बदले क्या हो रहा है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है बढ़ते जा रहा है। ओके, तो ये है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो ये इस पर क्या हुआ, वार्मिंग डिस्ट्रक्टेड 14% ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ्स इन 10 ईयर्स फ्रॉम 2009 to 2018। द रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम सपोर्टेड द ग्लोबल डेटा नेटवर्क इज द लार्जेस्ट एवर सर्वे ऑफ कोरल हेल्थ एंड कवर्स डाटा फॉर 40 ईयर्स अमंग 73 कंट्रीज एंड 12,000 लोकेशंस। अभी आगे ये दिया है आपको बता दें और इंफॉर्मेशन के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो डायरेक्टर है वो है इग्नर एंडरसन। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एचक्यू नैरोबी। और ये आपको और एक चीज़ पता है, हर एग्ज़ाम में आता रहता है, वो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कब है वो, 5 जून एवरी ईयर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि धरती को हम समझ लें और जो पर्यावरण है उसको हम समझ लें, और इसके तहत कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो हमारा जो ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो मात्रा है वो जो एनवायरनमेंट बढ़ते जा रहा है वो ना बढ़े, और हमारे जो आने वाला पीढ़ी है, आने वाला जो ये जनरेशन है वो सही सलामत हमारी तरह सांस ले सके और सुकून से ज़िंदगी जी सके। ओके, सुकून से ज़िंदगी जी सके। तो मुद्दा ये रहा कि कोरल रीफ का जो ये है डिस्ट्रक्शन और 14%, ये बहुत बड़ा मुद्दा है लास्ट 10 ईयर्स का, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट थिंग, इंडिया अलोंग विथ ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, मतलब
ब्रिटेन एंड स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट्स विल बी लॉन्चिंग ए न्यू इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेसिलियंट आइलैंड स्टेट आयरिश ओके आयरिश ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द अपकमिंग कन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UP26 द इनिशिएटिव विल फैसिलिटेट फॉर स्टैंडिंग डिजास्टर्स एंड लीसेंस इकोनॉमिक लॉसेस ऑफ द आइलैंड्स। मतलब इससे पहले वाला जो मुद्दा बता के आया मैं कि ग्लोबल वार्मिंग एंड सी लेवल बढ़ रहा है तो ये जो आइलैंड नेशंस हैं उनको क्या है डूबने के चांसेस बढ़ते जा रहा है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड यूके क्या किया है कि इन्होंने एक इनिशिएटिव आयरिश इनिशिएटिव लिया है जैसे कि इन मतलब जितने आइलैंड नेशंस हैं उनको सहायता दे सके हेल्प कर सके जैसे कि वो भी दूसरे लैंड लॉक कंट्री की तरह अपने सुकून से ज़िंदगी जी सके। अर्थात ये है कि ये ना डूबे और इनका जो आदमी है इनका जो अधिवेशी है इनके जो सिटीजन्स है ये सही सलामत वहाँ पर ही रह सके ओके। तो इसका मेन मुद्दा ये है। तो COP26 कल हमने डिस्कस किया था कल के करंट अफेयर्स में, अगर आप ना देखे तो देख ले जरा, उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमने कवर किया है दोस्तों, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कवर किया है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे अगर आपको डिस्कशन करके बताया जाए तो ज़्यादा ही याद रहेगा क्योंकि स्कूल कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में पढ़ाई स्कूल में पढ़ाई इसीलिए होती है कि डिस्कशन किया जाए और डिस्कशन के माध्यम से क्या होता है ज़्यादा याद रहता है ओके बहुत ज़्यादा याद रहता है। इसीलिए हमने MCQ लाने के बजाय आपको डिस्कशन करके बताने की साजिश की है। अब देखिए PM नरेंद्र मोदी ईस्ट एशियन समिट दैट इज आशियान समिट ओके आशियान समिट आपको पता है हर साल बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के समिट होते रहते हैं। तो 16th एशियन समिट विल बी हेल्ड इन वर्चुअली ऑन 22nd अक्टूबर दैट इज टुमारो विल डिस्कस मैटर्स ऑफ फॉरेन रीजनल एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट एंड कंसर्न इंक्लूडिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड टेररिज्म। टेररिज्म धरती पर एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, आप लोगों को पता है कि हर नेशन किसी न किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके जो यह है प्रभाव है इसे जूझ रहे हैं ओके इसे जूझ रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल का जितनी बॉडी है वहाँ पर भारत का यही इनिशिएटिव रहता है कि टेररिज्म को कैसे ख़त्म किया जाए और धरती पे कैसे सुकून और शांति लाया जाए ओके सुकून और शांति लाया जाए जैसे कि किसी भी रीजन का आदमी कश्मीर से कन्याकुमारी तक आदमी शांति से जी सके विथ पीस एंड स्टेबिलिटी ओके पीस एंड स्टेबिलिटी से जी सके। और उसके साइडलाइन में उसके अगले दिन क्या होगा, उसके अगले दिन PM नरेंद्र मोदी विल ऑल्सो अटेंड वर्चुअल 18th एशिया इंडियन समिट ऑन October 28 रिव्यू द स्टेटस ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मतलब एक दूसरे के साथ जो फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश किया गया है बिटवीन द टू साइड्स मतलब इंडिया एंड आशियान बिटवीन द टू साइड टेक स्टॉक्स ऑफ प्रोग्रेस मेड इन द एरियाज ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट पोस्ट COVID-19 इकोनॉमिक रिकवरी एंड कनेक्टिविटी। अभी देखिए कोविड और एक बहुत बड़ा मुद्दा है धरती पर, जैसे कि जान जा रहा है लोगों का तो इसीलिए मुद्दा बहुत ही सरगर्म फैल रहा है धरती पर। तो इस मुद्दे को भी एक इशू बनाया गया है जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज़ को लेके मुद्दे को लेके आलोचना करेंगे डिस्कस करेंगे आशियान पार्टनर के साथ ओके आशियान पार्टनर के साथ। चलिए आगे देखिए कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और आशियान वाज एस्टैब्लिश ऑन 8 अगस्त 1967 बैंकॉक थाईलैंड। करंटली देर आर 10 परमानेंट मेंबर्स ऑफ दिस एसोसिएशन। इट्स हेडक्वार्टर इन जकार्ता इंडोनेशिया एंड आशियान सेक्रेटरी जनरल लिम जॉक हुई। देखिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है आशियान के बारे में, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप NTPC का एग्जाम ले लें, रेलवे का एग्जाम ले लें, CGL का एग्जाम ले ले, PSC का एग्जाम ले ले, बंगाल का जो PSC है उसमें तो हर साल पूछते रहते हैं ओके कोई ना कोई हेडक्वार्टर कहाँ पर है या एशियन का जो हेड है एशियन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है उसका क्या नाम है और कहाँ पर इस्टाब्लिश है और कौन सी साल में इसको इस्टाब्लिश किया गया है ओके 1967 ये मतलब इससे जुड़े हुए एक क्वेश्चन रहता ही है ओके तो मुझे उम्मीद है कि बाकी जो स्टेट लेवल PSC के एग्ज़ाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बंगाल में नहीं है, बिहार UP उड़ीसा राजस्थान ओके हर किसी स्टेट के एग्ज़ाम में, लेकिन ये बहुत ही वाइटल चीज़ हो जाता है जैसे कि स्टैंड ये क्यों है पता है, एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है
ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है धरती पर जो पीस एंड स्टेबिलिटी कंटिन्यू बरकरार रखने के लिए। ओके, कंटिन्यू और बरकरार रखने के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? चाइना हैज इनेक्टेड नेशनल लॉ ऑन प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंट्रीज आइलैंड बॉर्डर्स एरियाज अफेक्टेड फ्रॉम January 1, 2022। इट मैंडेट्स द PLA, दैट इज आर्मी, वहाँ का जो आर्मी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ऑफ चाइना टू काउंटर एनी इन्वेशन इनक्रोचमेंट इन्फिल्ट्रेशन और प्रोवोकेशन अक्रॉस द लैंड बॉर्डर्स ऑफ चाइना। मतलब ये आपको पता है कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले लद्दाख में उस हमारे इंडियन आर्मी से झड़प हुई थी, शायद उसी के तहत ये इन्होंने एक लैंड बॉर्डर का जो एनेक्टमेंट जो लॉ लेके आए हैं, जिसे कि ऐसी तरह से झड़प ना हो और झड़प हो तो कैसे, झगड़ा हो तो कैसे बचाया जा सकता है बोथ साइड को। अभी हमारे देश में जो रफाल आए हुए हैं, कल ही जो हमारे हमने कल का जो करंट अफेयर्स का डिस्कशन है उसमें मैंने बताया कि रफाल आए हुए हैं 29 अब तक आउट ऑफ 36। ओके, और इस अगले साल अगस्त में, अगस्त 2022 क्या होने वाला है? बकरांत। कल का जो करंट अफेयर है उसमें बताया कि इंडिजिनस, मतलब देश की टेक्नोलॉजी और फाइनेंस और बुद्धिमत्ता जो इंटेलिजेंस है उसके तहत इसको बनाया गया है INS विक्रांत। ओके, जो अगले साल अगस्त में कमीशन होने वाला है, जिसका सेकंड सी ट्रायल जस्ट 2 दिन पहले हुआ है। ओके दोस्तों, तो इसको देखते हुए चाइना को बहुत घबराहट हो रही है। पाकिस्तान को तो बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। भारत का दबदबा अब दिन के दिन बढ़ता जाएगा दोस्तों। इंटरनेशनल लेवल पे डिफेंस का जैसे अपग्रेडेशन कर रहे हैं हमारे मोदी साहब, तो हमें उम्मीद है कि हमारा देश चाइना के ऊपर स्पेशली दबदबा बनाए रखेगा। ओके, और ये जो न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह ये जो लेके आ रहा है, ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए डिफेंस लेवल का बहुत अच्छा अच्छा जो हमारा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं हमारे मोदी साहब, मतलब जितना ज़्यादा बोलो शायद उतना ही कम है। ठीक है, तो चाइना ने जो लैंड बॉर्डर लॉ लेके आया है वो कब से चालू होगा? अफेक्टेड फ्रॉम 1 January 2022। नेक्स्ट, यून वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स वंस ऑफ ग्रोइंग हंगर क्राइसिस इन अफगानिस्तान। आपको पता है 2 दिन पहले वाला जो करंट अफेयर्स में उसमें बताया था मैंने कि अफगानिस्तान हो गया अभी सेंटर स्टेज। ओके, धरती पर और किसी भी इंटरनेशनल लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिस्कशन का मेन पहला फर्स्ट पॉइंट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कैसे शांति लाया जाए। ओके, पीस एंड स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कैसे लाया जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। क्योंकि वहाँ पर जो आप टीवी में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, ओके, इनके ऊपर कैसे कैसे बर्ताव हो रहा है। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें ज़्यादा हंगर में सेड दैट मेंटल न्यूट्रिशन और हंगर शोरिंग इन सम 2 मिलियन चिल्ड्रन नीड न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट टू सर्वाइव। 2 मिलियन चिल्ड्रेन नीड्स न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट टू सर्वाइव। देखिए न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट चाहिए उनको, कितना दिन हो गया? 2-3 महीने हो गया तालिबान ने कैप्चर किए हुए, लेकिन वहाँ पर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो लोग देखो कैसे कैसे हमें टीवी में देखने को मिलता है, आप देख ही रहे हो क्या परिस्थिति है। तो फूड क्राइसिस कहाँ पर होगा? अफगानिस्तान में। चलिए अभी नेशनल लेवल तक हमने पहुँच गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे अमेंडमेंट रूल्स 2021 ऑन 21 अक्टूबर 2021 टू इनकॉर्पोरेट द प्रोविजंस रिलेटेड टू द नॉमिनल वन टाइम कंपनसेशन एंड यूनिफॉर्म प्रोसीड्यूर फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन ऑन द इंडियन टेलीग्राफ राइट वे ऑफ रूल्स 2016। तो 2016 इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सी रूल बनाए गए हैं या तो कौन सी रूल को अमेंडमेंट करवाया गया है, कौन सा साल का। तो 16 साल का जो टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट था उसको अमेंडमेंट किया गया है कब? 21 अक्टूबर 2021। कौन सा का एक्ट है? इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे अमेंडमेंट रूल्स।
तो टेलीग्राफ अमेंडमेंट्स रूल को अमेंडमेंट किया गया है 16 साल का, और इस साल 21 साल में उसको अमेंडमेंट किया गया है। ये है इम्पोर्टेंट कि कौन सा साल का कब इनेक्टमेंट किया गया है, और जो इनेक्टमेंट किया गया है वो कौन सा चीज़ का है, इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे अमेंडमेंट रूल्स। ये है टेलीग्राम के टेलीग्राफ जो जो लाइन है, ओवरग्राउंड, ओवरग्राउंड मतलब मिट्टी के नीचे नहीं, मिट्टी के ऊपर से, ओवरग्राउंड मतलब मिट्टी के ऊपर से जो टेलीग्राफ लाइन जाने वाला है। वेरी गुड। ये बहुत छोटा सा चीज़ है, शायद आपको समझ में आए। द सेकेंड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल, ओके, सेकेंड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन रायपुर छत्तीसगढ़ फ्रॉम अक्टूबर 28 टू अक्टूबर 30। 3 डेज फेस्टिवल टू शोकेस अ ग्लिम्स ऑफ ट्राइबल कल्चर ऑर्गेनाइज्ड बाय द छत्तीसगढ़ टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बाहर की जो कंट्री है उनके जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो मतलब वो लोग भी यहाँ पर आके इनका जो ट्राइबल डांस फेस्टिवल है वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, और उनका जो डांस है, उनका जो कल्चर है, उनका जो हैबिचुएट है वो लोग यहाँ पर शोकॉज करेंगे। शोकॉज करेंगे बाहर के कंट्री, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह वगैरह, कई सारे कंट्री से यहाँ पर ट्राइबल लोग आ रहे हैं। और भारत का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ओके, ना पासपोर्ट का है, ना ट्रेवल का ये का है, ट्रेन में टिकट ले लो, रिजर्वेशन करो और चले जाओ छत्तीसगढ़। ओके, तो ट्रैवल जैसे कि हमारे देश में ट्रैवल को डेवलपमेंट करने के लिए सरकार तरह तरह का प्रोग्राम स्कीम से लेके आ रहा है, तो ट्रैवल नेशनल ट्रैवल डांस फेस्टिवल मुझे लग रहा है आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा कि कौन से जगह पर ट्रैवल डांस फेस्टिवल हुआ है। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कौन सी जगह पर हुआ है, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन डिसीशंस टू सेट अप नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नया क्या है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी टू कमिट विच एम्स टू कमिटी विच एम्स टू इम्प्रूव जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। मतलब अभी देख रहे हो जॉब का कितना क्राइसिस है, उसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लेके आ रहा है जहाँ पर जॉब के नए अपॉर्चुनिटी खुलेगा, जॉब के नए दिशा खुलने वाला है। इससे पहले क्या है, लेबर मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड ई श्रम पोर्टल ऑन अगस्त 26, 2021। ये देखिए, ये प्रश्न भी आने वाला होगा आपके एग्जाम में कि ई श्रम पोर्टल कौन सा मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है और कब लॉन्च किया है। ओके, स्पेशली कब, तो ये तो डेट याद रखना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन कौन सा मिनिस्ट्री किया है ये आपको, श्रम से लेबर, लेबर श्रम देता है, ओके, लेबर आपको श्रम देता है, आप अगर लेबर लाता हो तो वो क्या करता है, वो अपना श्रम देता है और उसके बदले में आप क्या करते हो, उसको पेमेंट करते हो, उसको पेमेंट करते हो। ओके, यू मेक पेमेंट एंड यू एनगेज सम लेबर्स फॉर योर ओन जॉब। ओके, तो ई श्रम पोर्टल इज एन इनिशिएटिव, ई श्रम पोर्टल इज द इनिशिएटिव ऑफ लेबर मिनिस्ट्री इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेबर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यह है यूनियन गवर्नमेंट जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लेके आ रहा है उसके तहत क्या होने वाला है, नए जॉब अपॉर्चुनिटी खोलने वाला है जो युवाओं के लिए नए अपॉर्चुनिटी खुलने वाला। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी NSC हैज बीन फॉर्म्ड टू इम्प्लीमेंट निपुण भारत मिशन, निपुण भारत मिशन, निपुण भारत मिशन। ओके, क्या है निपुण भारत मिशन, इज द नेशनल इनिशिएटिव फॉर पॉल प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, प्रोफिशिएंसी रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। देखिए, ये स्मार्टफोन आने के बाद लड़कों और जो स्टूडेंट्स हैं, लड़कों लड़कियां जो भी कहें आप, स्टूडेंट्स में पढ़ाई का जो जो इच्छाएं हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, काफ़ी हद तक। अब देखिए, कोई भी बच्चा हो या यंग हो या छोटा बच्चा हो, उसके हाथ में मोबाइल नहीं है तो वो खाना नहीं खाता है। ओके,
अच्छा स्कूल में जाके भी वो चुप चुप के मोबाइल देखता रहता है, गेम खेलता रहता है, पढ़ाई में कम ध्यान देता है। तो इसको कैसे, मतलब रीडिंग हैबिट को कैसे वापस लाया जाए, उसके लिए है ये प्रोग्राम। निपुण प्रोग्राम उसी के लिए है। कैसे मैंने ये रीडिंग हैबिट को बदलाया जाए यंग स्टूडेंट के, ना चाहे वो केजी में पढ़ रहा हो या चाहे वो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी लेवल। द डेवलपमेंट हैपेंड इन दुबई व्हेन बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली एंड सेक्रेटरी जॉय शाह हेल्ड मीटिंग विद राहुल द्रविड़। हाँ, परसुडेड हीम टू बिकम द कोच ऑफ इंडियन टीम आफ्टर T20 वर्ल्ड कप यूएई। द्रविड़ हैज कन्फर्म्ड ही विल बी द नेक्स्ट हेड कोच ऑफ इंडियन टीम, नेक्स्ट हेड कोच ऑफ इंडियन टीम। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, इंडिया में क्रिकेट का जो मुद्दा है बहुत, मतलब रूट रूट तक चले गए हैं, दूर दूर तक चले गए हैं, बच्चों में, बड़ों में, या यंग जनरेशन के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखिए, हेड कोच कौन है इंडिया बीसीसीआई मैंने क्रिकेट टीम का, राहुल द्रविड़ जी। ओके, राहुल द्रविड़। आगे देखिए, और एक इन्फॉर्मेशन है, आगे देखिए और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, क्या है बोले, द सिटीज अहमदाबाद एंड लखनऊ विल लखनऊ हैव बिन फाइनलाइज्ड एज द टू न्यू आईपीएल टीम्स। तो कौन सा सिटी, अहमदाबाद एंड लखनऊ, अहमदाबाद एंड लखनऊ, दो सिटीज आईपीएल नई टीम। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कौन दो नई टीम घुस रहे हैं नेक्स्ट आईपीएल में। ओके, आरपीएसजी वेंचर लिमिटेड लखनऊ, मतलब ये लखनऊ को स्पॉन्सर करेंगे, और रेलिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सीबीसी कैपिटल पार्टनर, सीबीसी कैपिटल पार्टनर अहमदाबाद टीम को स्पॉन्सर करेंगे। तो स्पॉन्सर का जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो न्यू जो टू टीम्स, वो कौन सा सिटी को लगा के करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। दिस इज़ टू मच इम्पोर्टेंट दैट विच टू न्यू आईपीएल टीम्स विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ आईपीएल टूर्नामेंट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड एंड यू विल डू वेल इन योर एग्जाम्स, स्टडी वेल सो दैट यू कैन डू वेल इन योर एग्जाम्स, बी डेडिकेटेड एंड पुट योर कंसेंट्रेशन सो दैट यू एक्सेल इन योर एग्जाम्स, नेक्स्ट टाइम यू सी दैट यू हैव गॉट ए जॉब। नेक्स्ट, अदर्स में क्या है, द फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन डिटेक्टेड इन कानपुर अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स, द पेशेंट इज एन एयरफोर्स ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर। ओके, फर्स्ट केस इज एयरफोर्स ऑफिसर। इसके बाद क्या करें, फॉर द फर्स्ट टाइम द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज़ डिक्लेयर्ड ए गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी कल्पीसी लिमिटेड एज नॉट फिट एंड प्रॉपर, नॉट फिट एंड प्रॉपर। इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज नॉट फिट एंड प्रॉपर एज इट इज एक्टेड एज ए ब्रोकर एंड कैरियड आउट इलीगल ट्रेड्स ऑन NSEL स्पॉट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिटवीन 2010 to 2013। तो ये 3 साल, 4 साल जो भी है, इसमें इसने क्या है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, इसीलिए क्या है, ये दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट डू ट्रेड इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नॉट फिट एंड प्रॉपर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट डू एक्सचेंज, मतलब ये एक्सचेंज ट्रेडेड इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, ऑन दैट बेसिस इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नॉट फिट एंड प्रॉपर, नॉट फिट एंड प्रॉपर, नॉट फिट एंड प्रॉपर। तो क्या नाम है इसका, नॉट फिट एंड प्रॉपर, PECLTD, PECLTD, इसका नॉट फिट एंड प्रॉपर। अच्छा, हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहरलाल खट्टर हैज अनाउंस्ड फ्री एजुकेशन फॉर दूस हुज वेरीफाइड फैमिली इनकम इज लेस देन 1.8 लाख पर एनम अंडर हरियाणा सुपर 100 प्रोग्राम्स। मतलब जिस फैमिली का एनुअल इनकम 1 लाख 80 हज़ार से कम होगा, उनके लिए, चाहे
मेल हो फीमेल हो उनका एजुकेशन फ्री कर दिया जाएगा। ये कौन सा प्रोग्राम के अंडर में है? प्रोग्राम सुपर 100 प्रोग्राम। ओके, ये हरियाणा गवर्नमेंट का न्यू इनिशिएटिव एकदम फ्री कर दिया गया है, जहाँ पर अगर द फैमिली इनकम इज़ लेस देन 1.8 लैक्स, ये स्कूल स्टूडेंट्स विल गेट फ्री एजुकेशन अंडर सुपर 100 प्रोग्राम। ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेल एंड यू डू वेल इन योर फ्यूचर एग्जाम्स। देखिए, ये ऑस्कर में जो जाने वाला मूवी है उसका एक क्वेश्चन रहता ही है, NTPC या CGL में, कोई CGL का कोई SSC लेवल का एग्ज़ाम्स है, सभी में रहता है, PSC को तो छोड़ ही दीजिए आप। ओके, डायरेक्टर PS बिनोथराज कोजंगल हैज़ बिन डिक्लेयर सिलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर 2022। ओके, द फिल्म हैज़ टू मोर स्टेप्स टू मेक इट टू द फाइनल नॉमिनेशन आफ्टर 2016 तमिल फिल्म हैज़ बिन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द एकेडमी। मतलब 16 के बाद ये है तमिल सेकेंड मूवी, ये मूवी जिसको ऑस्कर में नॉमिनेट के सिलेक्टेड फॉर ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर 2022। ऑस्कर 2022 इसमें ऑफिशियल एंट्री कोजंगल। ओके, कोजंगल तो इंडिया के लिए बड़ी बात है कि इंडिया का जो मूवी है उसको सिलेक्ट कर दिया गया है। ओके, चलिए, ज़्यादा नहीं है आज इम्पोर्टेंट के बीच में, बाकी आपके प्रिपरेशन कैसा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आपको मैं कहूँगा आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये आप जीवन का मंत्र बनाइए, जैसे मेरी ज़िंदगी में काम किया है, होपफुली योर लाइफ ऑल्सो विल बी सेटल विद द सेम स्पिरिट एंड प्रिपरेशन। अगर आप इसको लिख के रखेंगे अपना दीवार पे, तो ये आपको बहुत एनर्जी, ओके, बहुत एनर्जी देता है फॉर प्रिपरेशन। ओके, इसको ये आपको रात जागने के लिए देता है, इसको ये आपको ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए आपको हेल्प करता है। ओके, सो होप यू एंजॉयड द क्लास, डेली विल बी ब्रिंगिंग यू द करंट अफेयर्स। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द डे, होप यू अंडरस्टैंड एंड डू वेल इन योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात, आप ये सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए, सो दैट हमारे नेक्स्ट जब भी हम वीडियो अपलोड करें कोई भी इशू पर, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत उसको अपने आप को अपडेट कर लें। ये अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आप अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो क्या होगा, आप साथ ही साथ को आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।